नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आपका मलकीत। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीवंदा वीडियो आयुर्वेद में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए नए नए नुस्खे, और आज लेकर आया बहुत ही बढ़िया नुस्खा। ये उन भाइयों के लिए है जिन्होंने ज़्यादा हस्तमैथुन किया है या ज़्यादा किसी लेडीज के साथ इतना सेक्स किया है कि उनका वीर्य नाश हो चुका है और उनका लिंग स्टैंड नहीं होता, टाइम की बिल्कुल ही कमी है, स्पर्म काउंट की कमी है, जिनका वीर्य बिल्कुल ही पतला हो चुका है, सुपुन दोष होता है, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। जिन नौजवानों की शादी हो गई है, शादी हो चुकी है या शादी करवाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा टॉन के साबित हुआ है। आप इसको बताता हूँ इसको कैसे घर पर ही तैयार कर सकते हैं और कैसे इसको आपको यूज करना है। जो भाई लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, गांजा वगैरह, नशा, गर्म तस्वीर वाले हैं, इस नुस्खे का उनको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। आप इस गोली को खाते समय एक बात का ध्यान रखना है, आपको जो भाई हस्तमैथुन करते हैं उनको बिल्कुल ही बंद करना होगा। जो विवाहता हैं, जिनका मैरिज हो चुकी है, वो सेक्स कम करें, और तली हुई चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, शराब, मीट, मच्छी, अंडा, ये चीज़ों का आपको परहेज रखना है। आप बताता हूँ मैं आपको इसमें क्या क्या डाला जाता है, और आपको बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में बताऊँगा, आपके लिए इतना ही बहुत है। अगर आप इसको इतने में तैयार कर लेते हो तो आपको ज़िंदगी भर कोई चीज़ और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको लेनी है मुक्ता पिष्टी, स्वर्ण माणिक भस्म, भीम सैनी कपूर स्वर्ण भस्म, जवत्री, जायफल, लौंग, भंग भस्म, रजत भस्म। जे आपको सभी चीज़ें असली किसी बढ़िया पंसारी से जाएं, जो बस में पिष्टी हैं, जे तो आप बैद्यनाथ कंपनी की ही लें, उनका रिजल्ट 100% आपको मिलेगा, सस्ते के चक्कर में ना पड़ें। जो जे सामान है, जैसे है जवत्री, जायफल, लौंग और भीम सैनी कपूर, जे आप अच्छी क्वालिटी का लें, अच्छी पंसार स्टोर पर जाएं, और इलायची दाने और नाग केसर असली, इनका आपको दोनों का पाउडर लेना है 9 ग्राम, सॉरी आपको लेना है 5 ग्राम। अगर आप 2-2 ग्राम लेते हो जो बस में, तो आपको जो 9 ग्राम लेना होगा। अगर आप जो कम मात्रा में लेते हो तो आपको 5 ग्राम लेना होगा, हो सके तो 4.5 ग्राम लें, इससे आपका नुस्खा 100% असली बनेगा और आपको कोई किसी वैद के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना अच्छा रिजल्ट है इसका, इससे आपकी टाइमिंग भी बढ़ेगी, बल वर्धक, वीर्य वर्धक, काम उत्तेजना वर्धक, ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। और ये आपको सभी चीज़ें पीस लेनी है, जो पीसी जैसे बस में है वो तो ठीक है, आपको किसी खरल में डालकर सभी का पाउडर बना ले। जिन चीज़ों का पाउडर बनाना है, इलायची दाना, नागकेसर, जवत्री, जायफल, लौंग, भीम सैनी, इनका पाउडर बनाकर सभी चीज़ों को मिक्स करें। मिक्स करने के बाद आपको स्टाबर के रस में इसको कम से कम 7 दिन घोटना है। 7-8 दिन घोटने के बाद स्टाबर के रस में 2-2, 4-4 बूंद डालते जाएं और इसको खरल करते जाएं। ज़्यादा रस मत डालें, फिर आपका नुस्खा बेकार हो जाएगा। 2-2, 3-3 आप इसमें बूंद डालते जाएं, फिर आपको इसे अच्छी तरह खरल करें। खरल करने के बाद आपको 7 दिन, जब 7 दिन बीत जाए उसके बाद आप खरल करने के बाद इसको आपको एक एक रत्ती की गोलियां बनानी है। एक एक रत्ती की गोलियां बनाकर उसको साया में सुखाकर आपको जो एक गोली सुबह एक शाम मिश्री मिले दूध के साथ खानी है, आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। जिन भाइयों को कोई भी कमजोरी है इससे दूर होगी। अगर किसी को कुछ समझ में ना आया तो मेरे को कॉल कर सकता है, मेरा नंबर है 9882-38200, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।